हेलो गाइस, दिस इज जस्ट फ्रॉम सैमन जस हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज फिर आया हूँ आप लोग के सामने एक और नया टॉपिक लेके, और टॉपिक जो है आज का वो है बॉयज हेयर कट। अच्छा, आज के बॉयज हेयर कट में क्या अलग है वो भी बता देता हूँ आपको। आज पहले तो जिनका मैं हेयर कट कर रहा हूँ वो मॉडल हैं, मॉडलिंग करते हैं और बाल भी बहुत ही अमेजिंग है। तो आज जो हमारे अनुज हैं, जो हमारे मॉडल हैं आज के, उनका कहना ये है कि उनको बालों को रखना है लंबा, बिकॉज ही इज़ लाइकिंग। एक्चुअली मैं इनको पिछले बहुत सालों से बोल रहा था, बालों को थोड़ा सा लंबा रखो, यू विल लुक गुड, बिकॉज उनका जो फेस स्ट्रक्चर है वो लंबे बालों के लिए बहुत सूट करता है। लेकिन आज तक मेरे ख्याल से मैंने उनके पिछले 7-8 सालों से शॉर्ट हेयर कट में बहुत ट्राई किया, फेडेड ट्राई किया, क्लिपर से ट्राई किया, काफ़ी हेयर कट्स मैंने उनके अलग अलग तरीके के किए। लेकिन मैं उनको हमेशा बोलता था कि आपका जो फेस स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अगर हम लोग लॉन्ग रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं इसलिए भी बोलता था क्योंकि उनके बाल बहुत अमेजिंग है, उनके बालों में मूवमेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो मैंने इस बार इनको कन्विंस किया, और लॉकडाउन के बाद में तो बाल लंबे थे तो इवन ही लाइक्ड इट। तो अभी इन्होंने क्या बोला अनुज ने कि इनको बालों को छोटा नहीं करना। अभी होता क्या है, ऐसा मैंने नॉर्मली देखा है कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास में आता है और आकर के आपको बोलता है कि मेरे बालों को छोटा मत करो क्योंकि उनको बाल लंबे चाहिए, और अगर आपने बाल छोटे किए तो क्लाइंट को मज़ा नहीं आता, भले ही फिर आपने कितना भी अच्छा हेयर कट किया हो। तो आज मैंने इनके बालों को लंबे रखते हुए टेक्सचराइजिंग लुक बिल्कुल दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा भी लगने वाला है और कुछ नया भी सीखने वाले हैं। अच्छा, अभी इसमें नया क्या है, मैं आपको इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि जो बॉयज़ हेयर कट करते हैं वो ज़्यादातर सीजर्स वो कोम के साथ करते हैं। अभी सीजर्स वो कोम के साथ जब आप काम करते हो उसके लिए ना बड़ा परफेक्शन चाहिए, बड़ा आपके जो होल्डिंग है वो आपको बिल्कुल ऐसा चाहिए कि प्रॉपरली बाल काट सको आप। तो ये उन बच्चों के लिए है जो अभी सीजर्स ओवर कोम के लिए अच्छे ना हो। लेकिन अगर आपके पास क्लाइंट हो तो आप इस तरीके से, जैसे कि मैं आज हेयर कट करने वाला हूँ, आप इस तरीके से आज का हेयर कट अपने क्लाइंट के ऊपर कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने यूज़ किए हैं सेक्शंस, और ये जो पैटर्न हम लोग ने यूज़ किया है, जो हम लोग ने साइंस यूज़ किया है बाल काटने की, ये जो साइंस है एक्चुअली ये इंडिया नहीं है। पहले के टाइम पे अगर आप देखें तो पहले जितने भी स्टाइलिस्ट इंडिया में थे वो इस पैटर्न पे बाल नहीं काटते थे। अभी बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट, जितने भी अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट की बात करूं, वो सब इसी पैटर्न पे बाल काट रहे हैं। तो आप लोगों को मज़ा आएगा, सिर्फ टेक्सचराइजिंग की है हम लोगों ने, शेपिंग किया है, लेकिन जो लुक आया है वो बहुत अमेजिंग आया है और मुझे लगता है आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं हमारा हेयर कट। स्टे ट्यून एंड चेक इट आउट। जाने से पहले फिर बोलूँगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों को जिनको इस हेयर कट की या वीडियो की बहुत ज़रूरत हो। स्टे ट्यून।
Hi guys, my name is Anuj Sikri. I'm an actor and मैं आज जस्ट से ये हेयर स्टाइल करवाने के लिए आया हूँ. ये जस का फेवरेट हेयर स्टाइल है. इट्स बीन आई थिंक मोर देन 7 years मैं जस के पास आ रहा हूँ और हमने सारे हेयर स्टाइल ट्राई किए हैं, लाइक मीडियम शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, एवरीथिंग. बट हाँ, दिस लॉन्ग आई हैव नेवर ट्राइड. और जस मुझे 4 सालों से 5 सालों से आई थिंक बोल रहा है कि लॉन्ग ट्राई कर यार, लॉन्ग ट्राई कर, दैट विल सूट यू. एंड आई थिंक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था. दिस टाइम इट्स लुकिंग द बेस्ट जस. एंड आई मस्ट टेल यू, जब भी मेरा कोई शो आने वाला होता है, मेरा शूट होता है, मैं जस के पास आता हूँ, मैं जस को बताता हूँ, जस दिस इज काइंड ऑफ कैरेक्टर आई एम प्लेइंग एंड दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू. एंड आई जस्ट ट्रस्ट हिम, लाइक वॉट एवर ही डज टू माई हेयर, दैट्स परफेक्ट. और फ्रेंकली जस के पास आने से पहले मैं बहुत जगह गया हूँ. I have never ever seen Jaske jitna talented and itna trust hai Jaske upar mere ko ki Jaske bolega this hairstyle okay done except this long one. This long one I'm trying for the first time because I think mere ko confidence nahi aa pa raha tha manage karne ka. Aur that's it guys, I love you Jaske. तो मुझे लगता है कि आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये लोग अनुज का. और जाने से पहले बस यही बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को भी इसी तरीके से नए नए हेयर कट सीखने हो केमिकल में और आपको अच्छा ग्रो करना हो तो आप हमारे मुंबई एकेडमी आ सकते हैं. और मुंबई में हम लोग वर्सोवा में हैं, डोंबिवली में है और खारघर में है. मुंबई के बाहर अगर आपने आना है तो आप हमारे पुणे एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, चेन्नई एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, पटना एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और लखनऊ एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं. ये सब जगहों पे हमारी एकेडमीज हैं. अगर आप लोगों को कोर्स की डिटेल के बारे में पता करना हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें आप. कॉलिंग नंबर नहीं है, व्हाट्सएप कर सकते हो आप. कोर्स की डिटेल के लिए आपको लिखना है कि अभी हेयर के कोर्स के लिए क्या है, क्या क्या आपके कोर्स में आने वाला है. बहुत ही अमेजिंग हम लोग ने डिज़ाइन किया है, भले वो बॉयज़ हेयर कट हो, गर्ल्स हेयर कट हो, मेकअप का कोर्स हो, इसी नंबर पे व्हाट्सएप करो और इस पर लिखो कि आपको कोर्स कौन सा करना है. इमीडिएटली आपको आंसर मिलेगा व्हाट्सएप पे विद द कोर्स डिटेल. चलिए मिलते हैं हमारे मुंबई एकेडमी में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लव यू इंडिया, टेक केयर, बाय. जय हिंद, जय भारत.